देखिए दोस्त, भोजपुरी फिल्मों में मोस्टली जो है कहानी रिपीट कहानी होती है। लोग, मैंने भी कभी ऐसा किया है बट कि हिंदी फिल्मों की कहानी को रीमेक कर दिया। मेरी ये हथकड़ी फिल्म जो है उस तरह की नहीं है, ये एक नया कहानी है। अब सोचिए, एक जेलर कैदी हो जाता है, एक पुलिस अफसर कैदी बन जाता है, मुजरिम बनता है, तो फिर वो कहानी में क्या ट्विस्ट होगा, क्या नयापन होगा। कहानी के राइटर हैं राजन अग्रवाल, जो हिंदी फिल्में लिखते हैं वो हैं, और उसके स्क्रीन प्ले डायलॉग मनोज कुशवाहा जी कर रहे हैं। और फिल्म बड़ा ही एक अलग हट के कहानी है, और मैं समझता हूँ ऑडियंस इसको देखने के बाद मुझे याद जरूर करेगी कि रवि सिन्हा जी ने एक नया चीज़ दिया इंडस्ट्री को। मैं समझता हूँ 30% शूटिंग कम्प्लीट हो चुकी है, 6 गाने की शूटिंग हो चुके हैं अभी। ये शेड्यूल लगातार शेड्यूल है, इसके बाद पूरी पिक्चर कम्प्लीट हो जाएगी। रिलीज़ तो सही वक्त पर किया जाएगा, सही वक्त सभी समय देख के। दो सुपरस्टार हैं फिल्म के अंदर, तो वैसा माहौल होना चाहिए, वैसा समय होना चाहिए। थिएटर्स, कम से कम 100 थिएटर एक बार बिहार में रिलीज हो। और मेरी तो चाहत ये है कि इस बार जो है पूरे ऑल ओवर इंडिया में मैं एक साथ इस फिल्म को रिलीज़ करूँ, ताकि लोग बोलते हैं भोजपुरी फिल्म रिलीज़ नहीं होती है, उस चीज़ को ख़त्म करने की कोशिश मैं करूँगा। फिल्म में एक हीरोइन है अंजना सिंह जी, जो अपने दिनेश लाल यादव जी निरहुआ जी के अपोजिट में है। एक नई लड़की को मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ इस फिल्म में, स्वप्ना मुखर्जी करके लड़की है, साउथ की फिल्में किया है, बट बहुत ही नाइस गर्ल। मैंने इंडस्ट्री में मोस्टली हीरोइनों को इंट्रोड्यूस किया है, स्वाति वर्मा को मैंने किया है, संगीता तिवारी को मैंने किया है, और भी लड़कियों को मैंने किया है, तो बट ये भी लड़की है कि अपने आप में एक मुकाम बनाएगी, मुझे ऐसा उम्मीद है। थैंक यू वेरी मच।